वेलकम स्टूडेंट्स, आई होप बिल्कुल ठीक होंगे आप। हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था पावर एंड डिसीजन सर्च। पावर एंड डिसीजन सर्च के बेस पर हमने इस वीडियो के अंदर कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। जो क्वेश्चंस होंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन अंडर रूट। अंडर रूट मतलब कि स्क्वायर रूट भी हो सकता है, वो क्यूब रूट भी हो सकता है, मतलब जो सारे के सारे रूट के अंदर होते हैं नंबर्स, उनको हम कुछ सिंप्लीफाई करना सीखेंगे। सिंप्लीफाई के साथ साथ मैंने पिछली वीडियो के अंदर आपको बताया था जो क्वेश्चंस होते हैं स्क्वायर रूट के बेस पर, इतने भी क्वेश्चंस कराए थे सारे के सारे, मैंने लाइव वीडियो यूट्यूब पे भी डाल दी है, लाइव क्लास भी ली थी मैंने इसके बेस पे। इस वीडियो के अंदर जो भी क्वेश्चंस आते हैं स्क्वायर रूट, जैसे कि आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर ऐसे कुछ क्वेश्चंस जिसके हमें अंदर हमें रूट सिंप्लीफाई करना होता है, ये रूट। अब वो रूट स्क्वायर रूट भी हो सकता है, क्यूब रूट भी हो सकता है, या फिर पावर 1/4 भी हो सकती है, पावर 1/5 भी हो सकती है। वो सारे के सारे क्वेश्चंस जो इस भाग पे आते हैं इस वीडियो के अंदर आपको मैं सारे के सारे क्लियर कर दूंगा कि जितने भी क्वेश्चन आते हैं 15 से 20 क्वेश्चन हम इस पूरी पूरी क्लास के अंदर देखेंगे, जिसके बिहाफ पे आपके जो भी डाउट होंगे इस टॉपिक से रिलेटेड सारे के सारे दूर हो जाएंगे। हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 आज की क्लास का। टॉपिक है क्वेश्चंस बेस्ड ऑन स्क्वायर रूट अंडर रूट, और हम चैप्टर पढ़ रहे हैं पावर इंडिसेस एंड सर्च्स का। 7th या फिर 8th क्लास है हमारी आज लाइव, ठीक है। देखो यहाँ क्वेश्चन लिखा है 2 × 32 टू द पावर, ये है क्यूब रूट ऑफ 32, −3 × क्यूब रूट ऑफ 4 प्लस क्यूब रूट ऑफ 500 इज इक्वल टू, हमें ये सॉल्व करना है यहाँ पे। सबसे पहले बता दूं आपको कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं, 32 को हमें यहाँ पे सॉल्व करने की जरूरत वैसे नहीं है, मगर फिर भी मैं बताता हूँ आपको कि अगर इसको सॉल्व करना पड़े 32 को तो कैसे लिखेंगे। 32 2 पे 16 पे, 2 पे 8 पे, 2 पे गया फिर 4 पे, 2 पे गया फिर 2 पे, 2 पे गया फिर 1 पे, हम क्या लिखेंगे, ये 3 क्यूब रूट है, मतलब कि 3 2 2 2 तीन बार 2 × 3 × 4 ऐसे लिख सकते हैं। ये क्या है 2 × 2, तो हम इसको लिखेंगे 2 × √4। इसको इस तरीके से हम क्वेश्चन लिखते हैं। आपको ये पता होगा कि हम क्यूब रूट को 32 की क्यूब रूट हम कैसे चेंज करेंगे, आपको ये आता होगा, नहीं आता तो हम इस तरीके से लिखेंगे, बेसिक क्वेश्चन करने सीखेंगे। उसके बाद हमारा जो एडवांस लेवल क्वेश्चन है, आगे आने वाले क्वेश्चंस हमारे जो आएंगे 15 से 20 क्वेश्चन कराऊंगा इस पूरी पूरी वीडियो के अंदर, बहुत सारे मिक्सअप क्वेश्चन हैं और सारे के सारे क्वेश्चंस कंप्लीटेड एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन हैं। ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीटेड एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, 2017 के मेंस में आया था ये क्वेश्चन। आप देख सकते हो इतना आसान क्वेश्चन नहीं है ये, हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। देखो सिंप्लीफाई किस फॉर्म करेंगे, आपको दिमाग कैसे चलता है एग्जाम में वो तो आपको खुद देखना पड़ेगा कि एक कैसे क्वेश्चन आप करोगे। बहुत सारे तरीके सिंप्लीफाई करने के एक क्वेश्चन को, मगर मैं बताता हूं आपको सबसे इजी वे कौन सा है। देखो यहां लिखा है 32, ये लिखा है 4, ये लिखा है 500, पावर 3 में 32 का मतलब देख के ये पता लग गया ये 2 की पावर 5 है, 4 देख के पता लग गया ये 2 की पावर 2 है, तो मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 × 2 की पावर 5 × 1/3 क्यूब रूट को लिख सकता हूं 1/3, और 32 को लिख दिया मैंने 2 की पावर 5, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस तरीके से −3 × 2 की पावर 2 × 1/3 लिख दिया मैंने। ये भी ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि आपको मैं बता चुका हूं यहां पे 2 की पावर 2 हो गया 4, और क्यूब रूट को लिख दिया मैंने इस तरीके से, और पावर सिर्फ इसके साथ ही आएगी, इसके साथ नहीं आएगी, क्योंकि इसके ऊपर क्यूब रूट नहीं है। बेसिक कंसेप्ट आपके सारे के सारे क्लियर होने चाहिए अगर आप मेरे से पढ़ रहे हो लाइव या फिर ऑनलाइन, ठीक है ना। प्लस मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं 500 को मैं लिखता हूं 4 × 125, मैंने ऐसे क्यों लिखा। अब इसके ऊपर भी क्यूब रूट होएगी और इसके ऊपर भी क्यूब रूट होएगी, अब मैंने ऐसे क्यों लिखा भी आपको समझ आ जाएगा। मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं 125 किसका क्यूब रूट होता है, 5 का होता है, 5 × 2 की पावर 2 × 1/3, आपने ये देखा ऐसे क्यों, 2 की पावर 2 में लिख दिया 4 को, 4 की पावर 1/3 था, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ 4 की पावर 1/3 में, 1/3 मैंने क्वेश्चन यहाँ पे अपना शॉर्ट ट्रिक देख लिया है कि 1/3 में आ रही है। अब इस तरीके से हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब 1/3 देखो मैं इसको ऐसे स्प्लिट कर सकता हूं 2 × ये, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 2 की पावर 5 लिखा है, यहां आ रहा है 2/3, यहां पे भी आ रहा है 2/3, अगर मैं इसको ये लिखा है
5/3 लिखा है, यहां पे इसका मतलब है 5/3। अगर मैं इसको 1/3 करूं तो मैं उसका स्प्लिट कर सकता हूं 1 1 प्लस 2/3, 2/3 आ जाएगा, 1 प्लस 2/3। अगर इसको मैं एलसीएम लूंगा तो इस तरीके से 5/3, ये 5/3 है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखो यहां पे एक बार रब कर देता हूं, 2^1 × 2^1 × 2^1 × 2^1/3 2/3 जो 5/3 था, इसका मतलब अगर मैं यहां पे बेस सेम है पावर ऐड करूंगा इन दोनों को, आंसर 5/3 ही आ जाएगा, जैसे कि आपने देखा यहां 5/3 है। अब मेरा यहां पे क्वेश्चन आसान हो जाएगा, क्यों, 2^1 और 2^1 ये हो गया 2^2 × 2^2 × 3 -3 × यहां से 2^2 × 3 +5 × 2^2 × 3 अब ये कॉमन हो गया 2^2 × 2^3 × 2^2 × 3 × 2^2 × 3 अब यहां देख लो आप 2^2 आ गया 4, -3 कितना हो गया 1, +5 करोगे आएगा 6 × 2^2 × 3 इसका आंसर आ गया। आप देख लो ये आंसर मान निकल चुका, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, मुझे आपको क्वेश्चंस को इजी करने के लिए टाइम लगाता हूं मैं, ताकि आप हर स्टूडेंट जो माइंड हो हर स्टूडेंट को समझ आ जाए, वो हर स्टूडेंट को समझ आ जाना चाहिए, बेशक मैं थोड़ा सा टाइम लगाता हूं मगर हर स्टूडेंट को समझ आएगा, तभी मेरा फायदा है इन सब चीजों को पढ़ाने का। ठीक है, देखो हमें पता लग गया 2^6 × हमारा आंसर क्या आ गया, 6^6 × 2^2 × 3 इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 6 × 2^2 √3 इसका मैंने क्यों लिखा 2^2 कि हमारे को आंसर इस तरीके से दे रखा है यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड, 6 × 2^2 मतलब हो गया 4 का क्यूब रूट, यहां देख सकते हो आप 4 का क्यूब रूट आ जाएगा, ये देखो आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर थर्ड यहां लिखा था, इस तरीके से हमने इसको स्प्लिट कर लिया इस फॉर्म में जिस फॉर्म में हमारे ऑप्शन दे रखे हैं क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा हो गया, टाइम में इसलिए ताकि हर स्टूडेंट को समझ आ जाए, अगर वो मेरे से लाइव पढ़ रहे हैं या फिर मेरे से पढ़ रहे हैं यूट्यूब पे, यूट्यूब में बाद में वीडियो डालता हूं मैं, पहले अभी लाइव क्लास ले रहा हूं। क्वेश्चन नंबर टू देखो, क्वेश्चन नंबर टू कह रहा है 3 × √12 / 2 × √28, बीच में डिवाइड का साइन है, मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूं, रेसिप्रोकल कर रहा हूं, 98 / 2 × √21। इस तरीके से हम क्वेश्चंस करते हैं, आपको ये स्प्लिट करना चाहिए कि अंडर रूट 12 को हम कैसे लिख सकते हैं, अंडर रूट 28 को कैसे लिख सकते हैं, अंडर रूट 98 को कैसे लिख सकते हैं, ये आप अगर जल्दी कर पाओगे, धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो आप इजीली अपने माइंड में बना पाओगे कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। बता दूं आपको कैसे बनाते हैं, मगर फिर भी आपको जल्दी करने आना चाहिए अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो तो। देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 3 × √3 लिखते हैं हम, अंडर रूट 12 को इसे लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय 2 × अब 28 को आप स्प्लिट कर लो, देखो मैं सिखा देता हूं आपको, ये लिखा है 2, यहां पे आ गया 14, फिर एलसीएम लोगे ये आएगा 7, उसको ऐसे लिख सकते हैं 2 √7। स्टूडेंट कभी बार कंफ्यूज हो जाते हैं, बताता हूं आपको कि मेरे से हर बार स्टूडेंट ये क्लास में पूछते हैं, सर हमें पता ही नहीं लगता, हम एग्जाम में भूल जाते हैं कि हम 7 √2 लिखें या फिर 2 √7 लिखें, अंडर रूट 28 को हम कैसे पता लगाएंगे सर। तो मैं एक बार बहुत अच्छी तरीके से बताता हूँ स्टूडेंट को कि आप क्या करना, आप स्क्वायर कर देना, जो भी आंसर आएगा अगर आपको लग रहा है 7 √2 आंसर है अंडर रूट 28 का, तो आप स्क्वायर कर देना, अगर मैं इसका स्क्वायर कर तो 7 का स्क्वायर आएगा 49, यहां तो लिखा है 28, ऐसा नहीं होगा, तो आप जैसे ही 2 √7 का स्क्वायर करोगे 2 का स्क्वायर आएगा 4 मल्टीप्लाई अंडर रूट 7 का स्क्वायर आएगा 7, 7 4 का होता है 28, आपको यहां पे 28 मिलना चाहिए जब आप इसका स्क्वायर करोगे, अंडर रूट निकालने के लिए जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर करोगे तब भी अंडर रूट आ जाएगा। इस तरीके से कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मगर लॉजिक क्लियर होंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे अच्छे से, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर ही कराना मेरा मेन मकसद है आपका। आगे बढ़ते हैं, देखो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अंडर रूट 98 को सॉल्व करेंगे सेम एज दैट 249, आपको पता लग गया 7 यहां पे आ गया 7 × 49, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम 7 √2,
स्क्वायर कर देना इसका, स्ट्रेंथ का स्क्वायर होगा 49 मल्टीप्लाई टू 98 बन जाएगा, डिवाइडेड बाय, इसको यहां पे एक बार रब कर देते हैं हम, 702 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 20, 21 को हम चेंज नहीं कर सकते, अगर हमें स्प्लिट भी करना हो तो उसको ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई अंडर रूट 7 हम लिख सकते हैं अंडर रूट 21 को, अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कट जाएगा और अंडर रूट 7 और अंडर रूट 7 मिला के मल्टीप्लाई अंडर रूट 7 मल्टीप्लाई अंडर रूट 7 होता है 7, तो ये दोनों बनके मिल जाएंगे, 7 बन जाएंगे, तो 7 से काट सकते हैं इसको, 2 मल्टीप्लाई 2 आप देख सकते हैं यहां से 2 से 2 काट सकता हूं मैं, और ये अंडर रूट 2, ये 2 2 सा होता है, देखो यहां पे बच गया न्यूमरेटर में बच गया 3 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 4, इसको आप सॉल्व कर लेना आपका आंसर आ जाएगा, अंडर रूट 2 की वैल्यू होती है 1.414, आप देख सकते हो अंडर रूट 2 की वैल्यू होती है 1.414, इसको आप सॉल्व कर लेना, इसका आपका आंसर निकल जाएगा, जो भी ऑप्शन होगा चारों में से आप निकाल के देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, अब इस जो टॉपिक आज हम पढ़ रहे हैं उसके अंदर आपको एक चीज थोड़ी सी रिमाइंड करनी पड़ेगी कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये क्यूब रूट किसका है, ये स्क्वायर रूट किसका है, ये किसकी पावर 5 पे आता है, किसकी पावर 7 पे आता है, आपको याद होगा तो अच्छी बात है, नहीं याद होगा तो निकाल के भी देख सकते हो, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्यूब रूट ऑफ 1372 मल्टीप्लाई क्यूब रूट ऑफ 1458 डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ 1343, जो भी इस क्वेश्चन का आंसर आएगा आप ऑप्शन में से मत देखना ऑप्शन, क्योंकि यहां पे गलत दे रखे हैं, मिस प्रिंट है ऑप्शन यहां पे, आप देखो मैं कैसे कराता हूं आपको, आपको पहले देखना पड़ेगा 1372 किसका क्यूब रूट होता है, पहले 2 से जाएगा 6 पे, 8 पे जाएगा 16 पे, फिर 6 पे गया, फिर अगेन 3 से 343, आपको पता है 7 पे चले जाएगा, क्योंकि 7 4 जो होता है 28, फिर 9 पे जाएगा, 7 अगेन 7 पे, अगेन 7 1 पे, तो ये 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 आप इसको कैसे लिख सकते हो, अंडर रूट 6 लिख सकते हो इसको, इस तरीके से क्यूब रूट होता है 1372 का 7 मल्टीप्लाई अंडर रूट ऑफ 6 मल्टीप्लाई, आप इसी तरीके से 1458 का भी निकाल सकते हो, 1458 का आप कैसे निकालोगे, अगेन 2 से करोगे तो आएगा 729 को पता लगा 9 पे गया 81 पे, देन 9 पे गया 9, देन 9 पे गया 1, तो लिख सकता हूं 9 अंडर रूट 2। आगे बढ़ते हैं हम, डिवाइडेड बाय यहां पे लिखा है डिवाइडेड बाय, ये 343 किसका क्यूब रूट होता है, ये होता है 7 का क्यूब रूट, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, एग्जाम में आप कभी कभार भूल सकते हो मगर आपको मोर द टाइम आपको याद रखना पड़ेगा ये किसका क्यूब रूट होता है, ये देखो 7 से काटोगे 7 का कट गया, बचा क्या ऊपर अंडर रूट 6 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2, आपको पता है अंडर रूट 6 का लिख सकते हो अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 हो जाएगा 2, जब 9 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 18 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3, इसका आंसर आ जाएगा, इसको जब हम सॉल्व करेंगे इस तरीके से क्वेश्चंस करते हैं, जो भी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है ये सारे के सारे जो हम पढ़ रहे हैं अभी अंडर रूट के बिहाफ पे क्वेश्चन, हम कंसेप्ट क्लियर कर लेना तभी आपके क्वेश्चंस इजीली हो पाएंगे, आप किसी भी क्वेश्चन की बात करो इस टॉपिक से रिलेटेड। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम कैसे करेंगे, हमें फॉर्मेट दे रखा है ए अंडर रूट 2 इज इक्वल टू बी प्लस, यहां पे साइन है प्लस का, अंडर रूट 3 इज अंडर रूट 98 प्लस अंडर रूट 108 प्लस माइनस है माइनस अंडर रूट 48 माइनस अंडर रूट 72, आपको चेंज करना आना चाहिए, जैसे भी अभी मैंने देखा मैंने बताया आपको 98 कैसे लिखते हैं हम 7 अंडर रूट 2, धीरे धीरे याद हो गया ना, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 मल्टीप्लाई 2 हो गया 7 अंडर रूट 2, अभी हमने देखा था पिछले क्वेश्चन के अंदर, अब जैसे ही यहां पे हम अप्लाई करेंगे तो हमको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा कि हमने इसका आंसर क्या लिखा था,
108 का नहीं पता तो कर लेंगे, करेंगे 2 से आएगा 54, फिर करेंगे 2 पे आएगा 27, फिर करेंगे 3 पे आएगा 9, फिर करेंगे 3 पे ये आएगा 3, ये आएगा अगेन 3 पे, तो 6 अंडर रूट 3 लिख सकते हैं हम। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 3 का होता है 108, ठीक है। इस तरीके से हम क्वेश्चंस करेंगे जो भी इस टॉपिक के बिहाफ पे आते हैं। अब 48 को कैसे लिख सकते हैं, 48 को आप दिमाग में कर सकते हो, मगर आपको नहीं याद तो मैं तो बता रहा हूँ आपको, तभी इस तरीके से ये आ गया 24 पे ये आ गया 2, ये आ गया 12 पे ये आ गया 2, ये आ गया 6 पे आ गया 2, ये आ गया 3 पे आ गया 3 पे हम लिख सकते हैं 4 अंडर रूट 3। 4 स्क्वायर कितना आता है 16, 3 जा 48, आप देख सकते हो यहाँ पे इसका आंसर आएगा अंडर रूट 48 को लिख सकते हो 4 अंडर रूट 3, और 32 को लिख सकते हो अगेन 2 पे गया 36 पे, 2 पे गया 18, 2 पे गया 9, 3 पे गया 3, 3 पे गया 1, तो इसको हम लिख सकते हैं 6 अंडर रूट 2 माइनस 6 अंडर रूट 2, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 आ गया 72। इस तरीके से हम जल्दी से करके देख लेंगे, अगर हम एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं तब भी, तो 7 अंडर रूट 2 माइनस 6 अंडर रूट 2 बन गया अंडर रूट ऑफ 2, 6 और माइनस 4 करेंगे तो आंसर आएगा प्लस 2 अंडर रूट 3, हमारा आंसर आ गया। हमने क्या निकालना था, हमारे को इसको इक्वेट कर देंगे a प्लस बी, a अंडर रूट 2 प्लस बी अंडर रूट 3 इज इक्वल टू, देखो ये आ गया, ये आ गया, यहाँ पे a मतलब हो गया 1, कंपेयर कर देंगे a हो गया 1 और b हो गया हमारे को 2, आंसर आ गया a 1 और b is equal to 2, हमारा आंसर आ चुका है इस क्वेश्चन का। इस तरीके से हम क्वेश्चंस करते हैं जो भी आते हैं स्क्वायर अंडर रूट के बिहाफ पे, तेज तभी कर पाएंगे जब हमारे कंसेप्ट क्लियर होएंगे, धीरे धीरे हम अपने कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन करते करते। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहा हूं मैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मैं आपको बार बार ये क्वेश्चन कहता हूँ, ऐसे क्वेश्चन में बार बार कराता रहता हूँ जो क्वेश्चन मेंस लेवल में आते हैं, क्योंकि इन क्वेश्चन से आपका दिमाग ओपन होता है, आप सोचने की पावर आपकी बढ़ जाती है कि ऐसे क्वेश्चन अगर हमें एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे तो हम कैसे कर पाएंगे। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्यूब रूट ऑफ a इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 26 प्लस क्यूब रूट ऑफ 7 प्लस क्यूब रूट ऑफ 63। इसके ऑप्शन में कह रहा है a 729 से छोटा है मगर बड़ा है 216 से, 216 से छोटा है a या फिर 729 से बड़ा है a या फिर 729 के इक्वल है a। हम इस तरह के क्वेश्चंस कैसे कर पाएंगे, अगर आप इसको स्प्लिट करने की कोशिश करोगे, आप करोगे सर 26 को मैं स्प्लिट करता हूं, ये गया 2 पे, ये आ गया 13 पे, ये आ गया 13 पे a 1 पे, इसको सर हम लिख ही नहीं सकते, क्यूब रूट को चेंज नहीं कर सकते 26 के क्यूब रूट को। मैं बोलूंगा आपको कि इस क्वेश्चन की टेक्निक है, टेक्निक क्या है, आपको जब एक बात पता है, ये सारे के सारे आपको ना देखने का नजरिया बदलना पड़ेगा आपको कि आप क्वेश्चन को किस नजरिए से देखते हो। आपको पता है 26 लिखा है यहाँ पे 8 लिखा है, यहाँ 63 लिखा है, अगर यहाँ पे 27 लिखा होता, यहाँ लिखा होता 8 और यहाँ लिखा होता 64, इनका हमें क्यूब रूट करना पड़ जाता तो हमारे क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता, क्योंकि आपको पता है ये 3 का क्यूब रूट है, ये 2 का क्यूब रूट है और ये 4 का क्यूब रूट है, आपको क्वेश्चन आसान हो जाता है ना। मगर यहां लिखा है 63, यहां लिखा है 7, यहां लिखा है 27, आप इस क्वेश्चन को कंसीडर कर लेना, अगर ये 27 का क्यूब रूट 3 है तो 26 का क्यूब रूट 3 से छोटा होगा, अगर मैं इसको m मान लूं 3 से छोटा होगा, अगर इसको मैं मान लूं n तो n 2 से छोटा होगा, अगर इसको मान लूं मैं o, o 4 से छोटा होगा। आपको ये बात पता होनी चाहिए जब आप इस टाइप के क्वेश्चंस कर रहे हो, 3 प्लस 2 आ गया 5 प्लस 4 आ गया कितना 9, यहां पर लिखा लेफ्ट हैंड साइड पे क्यूब रूट ऑफ a, जब यहां पे इस साइड आएगा तो यहां पे क्यूब हो जाएगी 3 की, a इज इक्वल टू 729 आ जाएगा, 9 का स्क्वायर होता है 81, मल्टीप्लाई 9 करोगे तो आएगा 729, a की वैल्यू हो जाएगी 729 अगर यहाँ पे 8 और 64 होता, मगर यहाँ पे क्या है 26, 7 और 63, अगर a की वैल्यू 729 आ रही है, मगर हमारा क्वेश्चन ये दे रखा है
तो हमें ये पता लग जाएगा कि जो भी हमारा आंसर आएगा ए का 216 से बड़ा आएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग और 729 से छोटा आएगा। ऐसे क्यों? क्योंकि अगर यहाँ 27, 8 और 64 का क्यूब रूट होता तो हमारा आंसर एग्जैक्ट 729 आ रहा है। 26 27 से छोटा है, 78 से छोटा है और 64 से छोटा है। एक एक नंबर छोटा है, जो भी आंसर आएगा ए का 729 से छोटा आएगा। मगर हमें यह भी बात पता है कि 216 से बड़ा आएगा तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से हम ये क्वेश्चंस करते हैं। जो भी क्वेश्चंस होते हैं पैटर्न बेस्ड हमें दिमाग लगाना पड़ता है, हमें सॉल्व नहीं करने थे ये क्वेश्चन, दिमाग लगाना पड़ रहा था कि हम इसको ऐसे लेट कर लें क्वेश्चन को तो हम कैसे कर पाएंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा होगा। ये मेंस में आया था 2016 आई थिंक, मगर मुझे ये पता है क्वेश्चन मेंस में आया था 2016 क्या आया था या फिर 18 क्या आया था मुझे नहीं पता। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। देखो यहाँ पे हमें अंडर रूट 2 की वैल्यू दे रखी है। मैं ऐसे ही क्वेश्चन अलग से एक क्लास लूंगा जिसके अंदर आपको अंडर रूट 2 की वैल्यू गिवन होगी, अंडर रूट 3 की वैल्यू गिवन होगी, अंडर रूट 5 की वैल्यू गिवन होगी, अंडर रूट 11 की वैल्यू गिवन होगी। तो आप उस क्वेश्चन को कैसे कर पाओगे? मैं अलग से एक क्लास लूंगा इस टाइप के क्वेश्चंस की, तो इस क्लास के अंदर क्वेश्चन नंबर 6 को हम डिस्कस नहीं करते, क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को क्या कह रहा है? कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7, 3 अंडर रूट 8 माइनस 2 अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 20। देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको थोड़ा सा अगेन दिमाग ओपन करना पड़ेगा। ये भी क्वेश्चन कंसेप्चुअल है। 3 अंडर रूट 18 माइनस 2 अंडर रूट 27 प्लस अंडर रूट 45 लिखा है। आपको पहले स्प्लिट करने पड़ेंगे क्वेश्चन में। 8 को ऐसे लिख सकता हूं 3 मल्टीप्लाई 2 अंडर रूट 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई 12 को ऐसे लिख सकता हूं 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3। 2 का स्क्वायर होएगा 4 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 का स्क्वायर होएगा 3। जब मल्टीप्लाई करो दोनों को 4 मल्टीप्लाई 3 12 ही बनेगा। प्लस 20 को चेंज करके देख लो आप, 2 का 10 पे गया, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 5। 2 का स्क्वायर होता है 4, अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5, 4 मल्टीप्लाई 5 कितना आ जाएगा 20। डिवाइडेड बाय 18 को स्प्लिट कर लो आप, 18 को स्प्लिट करोगे यहाँ पे आएगा 2, ये आएगा 9। तो उसका सीख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 3 अंडर रूट 2, 3 का स्क्वायर 9 मल्टीप्लाई 2 18 माइनस 2। 27 को चेंज कर लो, 27 को चेंज करोगे ये आएगा 3 पे 9, 3 पे इसको ऐसे लिख सकते हैं हम 3 अंडर रूट 3। आप तेज करके देख सकते हो, मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, मुझे सारी की सारी वैल्यू याद है। अगर मैं आपको करके दिखा रहा हूँ कि आप एग्जाम में इतने से सिर्फ 1 सेकंड 2 सेकंड एक्स्ट्रा रहेगा, आपको याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। मुझे तो करके याद हो चुके कि कैसे इस नंबर का स्क्वायर रूट निकलेगा, कैसे इस नंबर का क्यूब रूट निकलेगा, मुझे तो याद है। मैं आपको करके दिखा रहा हूँ कि एग्जाम में आप करोगे तो 1.5 से 2 सेकंड एक्स्ट्रा लगेगा, मगर आपका माइंड बहुत रिलैक्स होएगा। आप करके देख सकते हो कि आपका आंसर श्योर शॉर्ट बिल्कुल ठीक होगा। अंडर रूट 45 को करके देख लेना आंसर आएगा 5 पे करोगे 9, तो उसको ऐसे लिख सकते हो 3 अंडर रूट 5, 3 का स्क्वायर 9 मल्टीप्लाई 5 45। आपको यहाँ पे आंसर मिल गया, इसका आंसर है 6 अंडर रूट 2 माइनस 4 अंडर रूट 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय 9 अंडर रूट 2 माइनस 6 अंडर रूट 3 प्लस 3 अंडर रूट 5। अब स्टूडेंट यहां पे आके फंस जाते हैं इन क्वेश्चंस के अंदर। मुझे बार बार स्टूडेंट एक बात पूछते हैं, सर यहां पे हम क्या करेंगे, हमें तो पता ही नहीं कि हमें क्वेश्चन के अंदर अंडर रूट 5 की वैल्यू लगाएंगे, अंडर रूट 3 की वैल्यू लगाएंगे, अंडर रूट 2 की वैल्यू लगाएंगे, फिर मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे आपस में। नहीं, ये क्वेश्चन के अंदर एक पैटर्न बन रहा है। पैटर्न देखो क्या बन रहा है, आपको ये समझना पड़ेगा हर क्वेश्चन के अंदर कि पैटर्न क्या बन रहा है। वो पैटर्न आप तभी पहचान पाओगे जब आप प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस की, जो मैं क्वेश्चंस आपको अभी इस क्लास में करा रहा हूँ। अगर आप ये मेरी वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हो तो आपको समझना पड़ेगा कि पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं। देखो 9 6 डिवाइड बाय 9 2/3 का रेशियो, 4 डिवाइड बाय 6 2/3 का रेशियो, 2 डिवाइड बाय 3 2/3 का रेशियो। अगर मैं यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई कर दूं और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करूं तो देखो कैसे हमारे ऑप्शन चेंज हो जाएंगे। मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 3 और यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2,
पूरे न्यूमरेटर के अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं 3 और पूरे डिनोमिनेटर के अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं 2, देखो कैसे हमारा पूरा पूरा क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो यहां बन जाएगा 18 अंडर रूट 2 माइनस 12 अंडर रूट 3 प्लस 6 अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय यहां देखो 18 अंडर रूट 2 माइनस 12 अंडर रूट 3 प्लस 3 अंडर रूट 6 अंडर रूट 5 3 टू द 6 तब यहां पे 3 मल्टीप्लाई करेंगे यहां डिवाइड करेंगे 2 से तो अगेन हमें 2 बाय 3 से अगेन मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा कि जब हमने यहां पे लिखा 2 डिवाइडेड बाय तो यहां भी डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा यहां भी 3 डिवाइड बाय करना पड़ेगा। एक बार मल्टीप्लाई कर दिया इसके अंदर पूरा का पूरा और एक बार हमने यहां पे खाली रहने दिया। जैसे ही मल्टीप्लाई किया तो आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों की दोनों फ्रैक्शन दोनों के दोनों टर्म्स एक्सप्रेशन सेम दिख गए तो आप इसको कैंसिल आउट कर देना। बचा क्या 2/3 इसका आंसर हो गया। इस क्वेश्चन का 2/3 आंसर आप निकाल सकते हो। इस टाइप से हम क्वेश्चंस करते हैं ये सारे के सारे जिसमें पैटर्न बन रहा होता है। मैं आपको प्रैक्टिस करा देता हूं क्लास के अंदर इतने सारे क्वेश्चंस की कि आप घर बैठे बैठे सारे पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन कर सकते हो। आपके फिर भी कोई डाउट बचते हैं तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो मुझे कॉमेंट कर सकते हो इस पे कहते हैं व्हाट्सएप भी कर सकते हो। अगर आपके कोई डाउट अगर आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो तो मुझे यूट्यूब पे भी कमेंट कर सकते हो। इस वीडियो के अंदर मैं पूरी कोशिश करता हूं कि आपके प्रॉब्लम सॉल्व करूं। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ रहे हैं हम। अंडर रूट 3 प्लस 1 10 प्लस अंडर रूट ऑफ 12 अंडर रूट 12 माइनस 2 और लिखा है 5 माइनस अंडर रूट 3। पैटर्न पकड़ना चाहिए आपको दिमाग तब चल पाएगा जब आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। आपको पता है आप ये वाले एक्सप्रेशन में और ये वाले एक्सप्रेशन में चेंज कुछ भी नहीं कर पाओगे। आपको चेंज कहां करना है आपको चेंज करना है यहां पे देखो 10 प्लस अंडर रूट 12 को लिख सकता हूं मैं 2 अंडर रूट 3। अगर जब इसमें से मैं 2 कॉमन ले लूंगा तो क्या बचेगा 5 प्लस अंडर रूट 3। यहां दिख गया 5 माइनस अंडर रूट 3 यहां दिख गया 5 प्लस अंडर रूट 3 दोनों मल्टीप्लाई के अंदर है तो एक फॉर्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। दिमाग आ गया दिमाग लग गया और अब यहां चेंजमेंट एक और बार कर सकते हो फिर को लिख सकते हो 2 अंडर रूट 3 माइनस 2। अब इसमें से 2 कॉमन ले लोगे तो बचेगा क्या अंडर रूट 3 माइनस 1। अब यहां पे अंडर रूट 3 प्लस 1 दिख गया अंडर रूट 3 माइनस 1 दिख गया दोबारा से वो कांसेप्ट लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। ये 2 2s आप लिख लेना 4 मल्टीप्लाई a प्लस b a माइनस b फॉर्मूला लगेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a स्क्वायर 2 का 3 का स्क्वायर अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 1 का स्क्वायर 1 3 माइनस 1 मल्टीप्लाई आएगा 2 मल्टीप्लाई। इस तरीके से यहां भी सेम कांसेप्ट लगेगा। इस तरीके से जब हम सॉल्व करेंगे 5 प्लस अंडर रूट 3 5 माइनस अंडर रूट 3 a प्लस b a माइनस b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 25 माइनस 3 कितना हो गया 22 8 मल्टीप्लाई 22 आंसर आ गया आपका 176 हमारा ऑप्शन करेक्ट हो गया थर्ड। 8th क्वेश्चन हमने किस तरीके से किया पैटर्न पहचान लिए कि चेंज कहां करेंगे जो चेंज होने वाली टर्म्स होंगी उसको दिमाग में रख के हम क्वेश्चन बनाएंगे आसान। इस तरीके से हम बनाते हैं क्वेश्चन आसान। आई होप आपको सारे के सारे क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। अगर सारे के सारे क्वेश्चन समझ आ रहे हैं प्लीज गिव इट अ थम्स अप ऑन माय YouTube वीडियो व्हिच यू आर वाचिंग राइट नाउ। क्वेश्चन नंबर हमने कर लिया 8th क्वेश्चन नंबर अब हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9th करेंगे इस क्लास का क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 10 माइनस अंडर रूट 21 माइनस अंडर रूट 35 मल्टीप्लाई अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 10 प्लस अंडर रूट 21 माइनस अंडर रूट 35। इस टाइप के क्वेश्चन आपको देख रहे हो आपको ये नहीं लगाना कंसेप्ट ये देखना है आपको फॉर्मूला बनाना है। यहां पे फॉर्मूला क्या बनाओगे आइए सीखते हैं। देखो ये प्लस में है ये प्लस में है ये माइनस में है ये माइनस में है मगर ये दोनों जो आप टर्म देख रहे हो इनकी
वैल्यू यहाँ पे चेंज है, मतलब कि यहाँ पे साइन चेंज है इनके, तो आप साइन चेंज कर लेना। देखो कैसे क्वेश्चन बनाने हैं आपको, एग्जाम में आसान कैसे बनाना है, इसको लिखोगे अंडर रूट 6, इसको लिखोगे अंडर रूट 35, इसको कर लेना ब्रैकेट में, प्लस का साइन बाहर लगा दोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, अंडर रूट 10 माइनस अंडर रूट 21, कोई दिक्कत नहीं है। जो यहां पे मल्टीप्लाई में दे रखा था बिल्कुल उसको भी सेम करना है इस तरीके से, अंडर रूट 6 ये माइनस में रूट 35, यहां माइनस प्लस का साइन था, यहां लगा देना माइनस का साइन, माइनस का साइन जैसे ही ब्रैकेट ओपन करोगे अंडर रूट 10 माइनस हो जाएगा, और ये लिखा था प्लस में, ये हो जाएगा यहां लिखेंगे प्लस में, माइनस में, सॉरी माइनस माइनस, जो ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये माइनस में ही है, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस में ही है। तो आपने ये बात देखी, दोनों जगह एक्सप्रेशन सेम आ गए, ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो हमें फॉर्मूला मिल गया ए प्लस बी ए माइनस बी का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस तरीके से हम क्वेश्चंस कर लेंगे। आपको ये बात पता है हमारे को, जो 2ab है वो कट जाएगा, 2ab कट जाएगा, आपको इतनी बात समझ आ रही है तो वीडियो को लाइक कर देना। 2ab एक पॉजिटिव में होगा, एक नेगेटिव में हो जाएगा हमारा, वो कट जाएगा। देखो कटेगा कैसे, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमें लगाना है, इसका स्क्वायर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर 2ab, a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखो जब हम यहाँ पे लगाएंगे, a माना है इसको, b माना है इसको, a माना है इसको, b माना है इसको, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगाएंगे हम, जब ब्रैकेट के अंदर होगा b स्क्वायर, ये होगा नेगेटिव में तो एक हो जाएगा पॉजिटिव में, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव बच जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 6 रूट 6 का स्क्वायर आ जाएगा कितना, 6 35 का स्क्वायर आ जाएगा 35 अंडर रूट का 41, जब माइनस करेंगे हम 31 से तो आंसर आ जाएगा 10। इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बहुत तेजी से, हमने क्वेश्चन कर लिया। अगर आपको समझ नहीं आया तो आपको ये समझ लेना कि कंसेप्ट क्लियर नहीं है। अब आपको चाहते हो कि इस क्वेश्चन को पूरा पूरा डिटेल में बताऊं, मैं डिटेल में आप करके देख लेना, मैं आपके सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर करा चुका हूं। 8 हमने क्वेश्चन कर लिए हैं, मैं आपको सिंपलीफाई भी करना बता चुका हूं पिछली क्लासेस के अंदर, जो आप पढ़ के, अगर आप मेरे से पढ़ रहे हो क्या कहते हैं पावर डिसीजन सर्ट्स, मैं आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर करा चुका हूं, रेशनलाइज करना सिखा चुका हूं मैं आपको, आपको मैं सिंपलीफाई करना भी सिखा चुका हूं, प्लस साथ साथ मैंने आपको बताया था कि अंडर रूट वाले स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चंस भी कैसे सॉल्व करते हैं, तो उसके बिहाफ पे आपको अब ये कंसेप्ट पता हो जाएगा कि इसका आंसर क्वेश्चन का आंसर 10 आएगा। आप घर पे करके दे सकते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के, ए ये है बी ये है, क्वेश्चन सॉल्व कर लेना आंसर आ जाएगा 10, आप घर पे करके दे सकते हो। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर आज की क्लास का 11th क्वेश्चन देख रहे हैं। 11th क्वेश्चन करना कैसे है, देखो यहाँ पर तो हमें गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर कि 165 का स्क्वायर होता है 272225। अगर मैं आपसे पूछूं 165 का स्क्वायर ओरली क्या होता है तो आप कैसे निकालोगे, 5 का स्क्वायर कितना आता है 25, 16 का स्क्वायर कितना आता है, 16 के अंदर प्लस 1 कर देना आ जाएगा 17, 17 मल्टीप्लाई कर देना 16 से, 16 का स्क्वायर होता है 256 प्लस इसके अंदर 16 और ऐड कर देना आ जाएगा 272225 इसका स्क्वायर हो जाएगा 165 का। आपको मल्टीप्लाई नहीं करना, इस टाइप के हम क्वेश्चंस करते हैं, तेज करते हैं हम कैलकुलेशन। अगर हमें किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना हो जिसकी यूनिट डिजिट पे 5 आ रहा है तो हम क्या करते हैं, 5 से करते हैं स्क्वायर 25, बस जो भी नंबर यहाँ बचता है उसके अंदर 1 ऐड करते हैं और उसको सेम नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। 16 के अंदर मैंने 1 ऐड किया 17, मल्टीप्लाई कर दिया 16 से आंसर आ गया 272। इस तरीके से करेंगे, देखो हमारे को क्वेश्चन के अंदर यहाँ दे रखा है क्या, देखो हमें यहाँ दे रखा है 272.25, अंडर रूट में है, पॉइंट हटाएंगे डिवाइड बाय लिखेंगे 100, ये किसका स्क्वायर रूट है, ये है 165 का, ये किसका स्क्वायर रूट है 10 का है, तो इसको हटा देंगे पॉइंट लगा देंगे 16.5 इसका आंसर आ जाएगा। इसकी जगह क्या लिख सकते हैं 272.25 डिवाइडेड बाय 10,000, चार डिजिट, चार के पॉइंट की बात था, चार के लगा दिया, दोनों के अंदर का स्क्वायर रूट है, ये है 165 का, ये है 100 का,
जीरो लगा के पॉइंट जीरो डाल के पॉइंट लगा दूंगा 1.65 इसका आंसर आ गया। इस तरीके से इसका भी आंसर आ जाएगा 0.027225 डिवाइड बाय करूंगा 6 लगाऊंगा 0 स्क्वायर रूट कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 165 डिवाइडेड बाय इसको 3 हटा के 000 लगा देंगे यहां पे 30 हटा के पॉइंट लगा देंगे तो हमारे को प्लस कर लेना आप 16.5 1.65 और 0.165 जो भी करके आंसर आएगा आप निकाल लेना प्लस कर लेना इन तीनों के तीनों नंबर्स को आपका आंसर इन चार ऑप्शन में से एक आ जाएगा। आई थिंक 18.315 आएगा फिर भी आप अगर देख लेना मेरे ख्याल से 18.315 इसका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हम ये क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन करना से मेरे को सिखाना था आपको ना कि आंसर निकालना। कंसेप्ट क्लियर रहेंगे तो आप कोई भी क्वेश्चन इजीली कर सकते हो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ लिखा है अंडर रूट 121 ठीक है जी प्लस अंडर रूट 12321 प्लस अंडर रूट 1234321। सर हमें तो पता ही नहीं किस नंबर का स्क्वायर रूट होता है हमें तो सर ये पता ही नहीं किस नंबर का स्क्वायर रूट होता है। हाँ हमें ये पता है सर कि ये 111 का स्क्वायर रूट होता है। आपको मैं एक बात बताई थी मैंने एक वीडियो बनाई थी इस कंसेप्ट के बेस पर। अगर 11 का स्क्वायर निकालना है तो दो बार लिखा है 11 तो 1 2 1 लिख देना। अगर 111 का स्क्वायर निकालना है तो 1 2 3 तीन बार लिखा है 11 एक 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 तीन बार लिखा है तो ये 1 2 3 और दोबारा डिसेंडिंग ऑर्डर में 2 1 और इस तरीके से जब यहाँ पे लिखा हो 1 2 3 4 5 तो ये किसका स्क्वायर होता है 1 2 3 4 5 का होता है स्क्वायर मगर इसके साथ साथ 5 के बाद 4 3 2 1 भी होगा 1 2 3 4 5 4 3 2 1 एक नंबर आएगा जब हम स्क्वायर करेंगे 1 2 1 1 1 1 1 का स्क्वायर करेंगे। आपको इतनी बात ध्यान आ जानी चाहिए। अब आपको मैं बता चुका हूँ यहाँ बेसिक कंसेप्ट। अब यहाँ पे हम ट्रिक लगा सकते हैं कि ट्रिक क्या लगेगी कि क्वेश्चन नंबर 12 ने पूछा ये तो हो गया 11 का स्क्वायर ये किसका हो गया 111 का हो गया क्योंकि 1 2 3 तक गया तीन बार 111 था तो 1 2 3 तक गया फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में और ये किसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 1111 का चार बार गया उसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया 3 2 1 इसके अंदर प्लस करोगे 111 इसके अंदर प्लस करोगे 11 तो कितना आंसर आएगा 3 3 1 2 1 1 3 3 1 2 3 3 इसका आंसर आ गया। ये इक्वल है 1 2 3 3 के बिल्कुल ठीक बोला है ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है कोई रॉकेट साइंस नहीं है उसके अंदर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 का ही सेकंड पार्ट 0.64 किसका स्क्वायर रूट होता है 0.8 का होता है 64 किसका होता है 8 का होता है 36 किसका स्क्वायर रूट होता है 6 का होता है प्लस 0.36 किसका होता है 0.6 का होता है 6 और 8 कितना होता है 14 होता है प्लस करेंगे 6 और 8 होता है 14 प्लस 15 15.4 आंसर आएगा किसका जब हम इसका इन सबका चारों नंबर्स का स्क्वायर रूट करेंगे। ये 15 से ज्यादा है क्या हाँ 15 से ज्यादा है 15.4 तो मतलब हमें पता लग गया बोथ फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही हैं। ये वो क्वेश्चंस हैं जो सारे के सारे क्वेश्चंस आते हैं स्क्वायर रूट के बेस पर। आई होप आपको अब तक पूरी की पूरी क्लास समझ आ रही होगी कि हम कैसे सॉल्व करते हैं ये क्वेश्चंस जो आते हैं स्क्वायर रूट के बेस पर क्यूब रूट के बेस पर इन शॉर्ट अंडर रूट वाले क्वेश्चंस। ठीक है आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं 512 किसका क्यूब रूट है आपको याद है क्या क्या ये सर 8 का हो सकता है 8 8 होता है 64 मल्टीप्लाई 8 करेंगे तो यूनिट डिजिट पे 2 आएगा हाँ सर 8 का हो सकता है हाँ मैं आपको बता रहा हूँ 64 के अंदर जब आप 8 मल्टीप्लाई करोगे तो 512 आएगा ये 8 का क्यूब रूट है मुझे तो याद था आपको याद ना हो तो आप निकाल के देख सकते हो। इस तरीके से 512 को करोगे 2 से आएगा 256 200 करोगे 128 200 करोगे 64 आएगा कर लेना आप 4 से आएगा 16 कर लेना 4 से आएगा बार कर लेना 4 से आएगा तो 4 का एक पेयर बना 3 का एक 2 का पेयर बना तो मतलब 2 मल्टीप्लाई 4 8 का होता है ये ठीक है ना।
8 का होता है क्यू, 512 का क्यूब रूट पूछोगे तो 8 होता है। इस तरीके से हम कर ले सकते हैं, मगर अगर आपको याद होगा तो आपके 2 से 4 सेकंड बच जाएंगे। तो आपको नहीं याद तब भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको कंसेप्ट समझा दूंगा कि कैसे आपने क्वेश्चंस करने हैं। 169 किसका स्क्वायर होता है, स्क्वायर रूट किसका होता है, 13 का होता है 169, स्क्वायर होता है 13 का 169, 169 का क्यूब रूट होता है 13, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं, ये 8 आ गया प्लस 13 आ गया प्लस 216 किसका क्यूब रूट होता है, ये होता है 6 का। आपको याद कैसे करना पड़ेगा, 6 × 6 होता है 36, में अंदर 6 × करोगे तो आएगा 216, आपको याद करना पड़ेगा, थोड़ा सा कंसेप्चुअल है ये। 215 किसका स्क्वायर रूट होता है, ये मैंने आपको बताया अभी 15 का होता है, 15 प्लस 6 करोगे कितना आएगा 21, प्लस 8 करोगे तो आंसर आएगा 29, के अंदर जब आप 13 प्लस करोगे तो आंसर आएगा 42, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा विच इज ऑप्शन नंबर 3। इस तरीके से हमें क्वेश्चन करेंगे, अगर आपको याद होंगे क्या किसका स्क्वायर रूट होता है, क्या किसका क्यूब रूट होता है, नहीं भी याद तब भी कोई दिक्कत नहीं है, 4-5 सेकंड ज्यादा लग जाएंगे, क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे 100% एक्यूरेसी के साथ, अगर आपके कंसेप्ट 100% क्लियर हैं तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेम, क्वेश्चन नंबर 14 बिल्कुल सेम है क्वेश्चन नंबर 11 की तरह। आप क्वेश्चन नंबर 14 घर पे करके देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 14 आपका होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर आपका है होमवर्क। अगर आप मेरी वीडियो YouTube पे देख रहे हो तो मुझे कमेंट करके बता देना कि इसका आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 15 भी सेम है, और भी करके दिखाता हूं मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 16, 676 किस नंबर का होता है स्क्वायर रूट, 676 पता कैसे करोगे, आपको पता है 625 किसका होता है 25 का, इससे एक नंबर बड़ा है तो ये 26 का हो जाएगा, 26 का हो जाएगा ये हो जाएगा 2.6 का, ये हो जाएगा आपको 100 कर देना 26/100 0.26, आप करके देख लेना 0.26 आंसर कितना आ जाएगा 28.76 तो नहीं आ रहा, इक्वल नहीं है तो ये आंसर सेटिस्फाइड नहीं करेगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सेटिस्फाइड नहीं कर रहा, आपने देख लिया इस कंसेप्ट से। ठीक है ना, 2.6 0.26 का आंसर आ गया, हमने ये निकाला, इसका आंसर आया 28.86, 27.76 के इक्वल नहीं है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सेटिस्फाइड नहीं हो रहा। ऑप्शन नंबर देख लो आप, सेकंड 81 किसका स्क्वायर क्यूब रूट होता है, 9 का होता है, 47 किसका होता है, 7 का होता है, 36 किसका होता है, 6 का होता है, प्लस उसके अंदर ऐड करोगे 339 किसका क्यूब रूट होता है, आप देख स्क्वायर रूट होता है दिख लेना, 9 + 7 होता है 16 प्लस 6 होता है 22, इसके अंदर 22 ऐड ऑन करोगे तो आएगा 163, 361 किसका स्क्वायर रूट होता है, ये होता है 19 का, इक्वल है 19 के, हाँ बिल्कुल ठीक है, ओनली सेकेंड ऑप्शन सेटिस्फाइड कर रहा है तो ऑप्शन सेकेंड हमारा करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से हम करते हैं ये वाले क्वेश्चंस। आजकल इस टाइप के ऊपर क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इन है, पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन है ये, पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन तो नहीं कह सकते इन क्वेश्चंस को जिसमें हमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट दे रखा होता है, ऑप्शन नंबर सेकंड दे रखा होता है, एक ही क्वेश्चन के अंदर हमें दो दो ऑप्शन देखने पड़ते हैं कि ऑप्शन फर्स्ट सेटिस्फाइड कर रहा है या फिर ऑप्शन सेकंड सेटिस्फाइड कर रहा है या फिर दोनों कर रहे हैं या फिर दोनों नहीं कर रहे। ऑप्शन कभी बार ये दे देता है कि ओनली वन एंड नॉट सेकंड, कभी बार दे देता है ऑप्शन सेकंड सेटिस्फाइड कर रहा है फर्स्ट नहीं दे रहा। तो इस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं जिस तरीके से हमारे क्वेश्चन में कह रहा है, हम दिमाग लाएंगे कि हमारे क्वेश्चन में किस टाइप का पैटर्न कह रहा है। ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है जो मैंने आपको अभी क्वेश्चन कराया था, क्वेश्चन नंबर 1 की तरह, क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, सेम एज क्वेश्चन नंबर 1, सेम एज क्वेश्चन नंबर 1 जो मैंने आपको आज की क्लास में कराया था। इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर आप बताओगे क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या आएगा, अगर आप मेरी ये वीडियो YouTube पे देख रहे हो तो मुझे बताओ क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या आएगा, अगर मेरे से लाइव पढ़ रहे हो तो आप मुझे कमेंट करके बताओगे, व्हाट्सएप करके बताओगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या आया। मैंने आपको आज दो क्वेश्चन होमवर्क में दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 17 एंड क्वेश्चन नंबर 14 देख लेना, शायद क्वेश्चन नंबर 14 ही था, दोनों दोनों क्वेश्चन का मुझे आपने आंसर बताना है। यूट्यूब पे देख रहे हो तो कमेंट करना है, और अगर से लाइव स्टूडेंट मेरे पढ़ रहे हो तो आपने करना है मुझे व्हाट्सएप, ठीक है ना। तो आज की क्लास
करते हैं, हमने 17 क्वेश्चन देखे आज के कंसेप्ट के बेस पर, जो हमने देखे अंडर रूट के कंसेप्ट के बेस पर सारे के सारे क्वेश्चन। अगर आपके फिर भी कोई डाउट है तो मुझे आप पूछ सकते हो कमेंट करके यूट्यूब पे, अगर लाइव पढ़ रहे हो तो मुझे व्हाट्सएप कर देना, इधर कोई भी डाउट होगा तो मैं एक वीडियो अलग से कवर कर दूंगा। बाय बाय, थैंक यू सो मच।